आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कल की क्लास में हमने आपके साथ बात की थी कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में और हमने बताया था कि कस्टम फॉर्मेटिंग का क्या रोल है, कैसे यूज करते हैं। आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे बात करेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या रोल है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम बात करने जा रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर कंडीशंस पे हम कैसे कलर करें। जैसे कि अब तक आपने कलर किया या कुछ भी फॉर्मेट करना जब किए तो उससे सिस्टम सेल के अंदर क्या वैल्यू टाइप है इसे कोई कनेक्टिविटी नहीं और वो फिक्स हो जाता है। अगर चेंज हुआ तो फॉर्मेट चेंज नहीं होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है किसी पर्टिकुलर कंडीशंस पे, जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और हमने बोला कि इसके अंदर जो ग्रेटर देन 50 है वो कलर्ड हो जाए। हमें कलर किनको करना है, ग्रेटर देन 50। जैसे कि हम लोग हाईलाइट करते हैं, हमें हाईलाइट करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता हूं हाईलाइट सेल्स रूल्स में। यहां पे देखिए ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन डेट ऑकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू, ये सारे हैं हमारे पास। तो हम बात करते हैं ग्रेटर देन की, तो किसी नंबर से बड़ा। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट एक नंबर आ जाता है बट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा, तो 50 से बड़ा आ गया आपका। ओके और यहां पे कलर के लिए है कि इसमें आप अपने हिसाब से कलर को देख सकते हो कौन सा कलर होना चाहिए। इसके अलावा आपका खुद का फॉर्मेट चाहिए तो कस्टम फॉर्मेट के अंदर चले जाएं। जी हाँ, खुद का फॉर्मेट चाहिए तो कस्टम फॉर्मेट के अंदर चले जाएंगे और यहां पे हम कस्टम फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे अपना। जो फॉर्मेटिंग आपको चाहिए, इसमें रेड को सिलेक्ट कर लिया, ग्रीन सिलेक्ट कर लिया, ओके तो ग्रीन हो गया। मैं ओके कर दूंगा तो यह फिक्स हो जाएगा और ये फिक्स नहीं मतलब कि चेंजेबल है। जैसे कि यहाँ पे अगर 35 हो गया एंटर मारते इसका कलर फॉर्मेटिंग हट जाएगा और यहाँ पे 74 कर दूं मैं तो वापस इस पर कलर लग जाएगा। ये कंडीशन फॉर्मेटिंग हमेशा चेक करते रहता है कि वैल्यू इसको मीट करने कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे इसको मीट करेगी ऐसे ही आपको चेंज कर देगा। ओके तो और क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन है किसी नंबर से बड़ा, लेस देन किसी नंबर से छोटा, बिटवीन किसी दो नंबरों के बीच में। तो ये जो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन आप देख रहे हैं इनमें आप जो है नंबर्स, डेट एंड टाइम दे सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डेट है, इसमें डेट तो नहीं है, मैं यहाँ डेट ऐड कर देता हूँ। तो अब इसमें मान लीजिए कि मुझे एक डेट से बड़ा चाहिए तो ग्रेटर देन मैं यहाँ बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पे 15 मई से के बाद की डेट चाहिए तो यहाँ पे 15 मई में लिखूंगा। देखिए 15 मई से ज्यादा जो डेट है वो हाईलाइट कर देगा। अगर आप यहाँ से अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाऊँगा मैं, अगर लेस देन किसी छोटा है, मैं मुझे 20 मई से छोटा चाहिए तो आपने 20 मई सेलेक्ट कर लिया, उससे छोटा को इसने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका बिटवीन दो नंबर के बीच की, दो डेट के बीच में, इस डेट से इस डेट के बीच को हाईलाइट कर दे तो हाईलाइट कर देगा। तो कहने का मतलब है कि आप यहाँ ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन में, लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन के बीच में जो है आप कोई भी पर्टिकुलर नंबर या डेट या टाइम को ऐड कर सकते। इक्वल टू होता है एग्जैक्ट सेल वैल्यू कि मुझे एग्जैक्ट 10 मई को हाईलाइट करना है तो यहाँ पे 10 मई हाईलाइट हो जाएगा, फिक्स रहेगा। ऐसी कोई नंबर को हाईलाइट करना है तो यहाँ पे इक्वल टू में कर सकते हैं कि मेरा नंबर हाईलाइट हो जाए। जैसे हमने बोल दिया 52 हाईलाइट हो गया। ऐसे ही कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट को भी यहाँ से एग्जैक्ट कर सकते हैं। ओम हो जाए तो देखिए जहाँ जहाँ ओम था वहाँ वहाँ हाईलाइट हो गया।
इक्वल टू में दिक्कत हो सकता है, जैसे कि कहीं पे मान लीजिए कि यहाँ पे पूजा है और कहीं पे पूजा सिंह है मान लीजिए, पर दोनों एक ही है, कहीं पे फर्स्ट नेम किसी में नाम लिख दिया हुआ है, किसी में नाम नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि फुल नेम नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आप इक्वल टू में जाते हैं और पूजा करता हूं मैं, तो इसमें पूजा ही हाईलाइट होगा, पूजा सिंह हाईलाइट नहीं होगा। तो यहां पे क्या गए, तो टेक्स्ट दैट कंटेन आपके सामने है इक्वल टू टेक्स्ट कंटेन, और यहां पे पूजा हमने कर दिया, तो पूजा और पूजा सिंह दोनों हाईलाइट हो गया, पूजा और पूजा सिंह दोनों हाईलाइट हो गया ना। तो टेक्स्ट एंड कंटेन का मतलब हुआ कि जो वर्ड आपने लिखा वो कहीं भी मैच करे तो हाईलाइट कर देगा, जी हाँ। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ टेक्स्ट पे वर्क करता है, अगर मैं डेट और नेम बोलूँ मैं तीन वाले को हाईलाइट कर दे, नहीं अब नंबर पर करने लगा तो कौन से में नहीं कर पाता, आपका हाईलाइट हो जाता है। तो नंबर पर इसका जरूरत ही नहीं पड़ती है, हम हमेशा टेक्स्ट पे ही करते हैं। उसके बाद आता है डेट ऑफरिंग का। अब जैसे कि हमने आपको डेट में बताया कि लेटर ग्रेटर दैन लेस दैन बिटवीन आप दे सकते हैं, किसी डेट से बड़ा किसी डेट से छोटा, लेकिन मुझे हमेशा एक सिस्टम डेट हाईलाइट करना है, मतलब कि ये आपका 12 मई हाईलाइटेड हो, और जैसे ही मैं अपना चेंज करूं, जैसे ही मेरा सिस्टम डेट चेंज हो ये भी अपने आप को चेंज करे। उसके लिए क्या करेंगे, ये हमारे सामने डेट ऑकरिंग होता है। डेट ऑकरिंग में आपके पास सिस्टम डेट के साथ लिंक कर सकते हैं, जैसे टुडे सेलेक्ट कर लिया तो हमेशा आप आज की डेट हाईलाइट रहेगी, मतलब कि आज 12 तारीख हाईलाइट है, कल जैसे मैं इसको ओपन करूंगा कल ये 13 तारीख हाईलाइट हो जाएगा, तो हमेशा आपका सिस्टम डेट हाईलाइटेड होगा। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें इसमें और क्या क्या है, तो इसमें टुमारो, इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ये आप हाईलाइट कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, अगला आता है डुप्लीकेट। जैसे कि आप एक सिलेक्टेड सेल में देखना चाहते हैं कि कोई नंबर मोर देन वन टाइम तो नहीं है, तो उसके लिए हम डुप्लीकेट करते हैं, जो भी नंबर्स मोर देन वन टाइम होगा उसको हाईलाइट कर देगा, जी हाँ, जो भी नंबर मोर देन वन टाइम होगा तो उसको हाईलाइट कर देगा। इसका जरूरी नहीं कि मैंने मान लीजिए कि मुझे इस एम कॉलम में मोबाइल नंबर लिखना है और मैं चाहता हूँ जैसे मैं मोबाइल नंबर डुप्लीकेट लिखूँ हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ पे हाईलाइट डुप्लीकेट कर दीजिए, ओके। अब मैं अपने यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर लिखूँगा, एक बार लिखो कोई दिक्कत नहीं, और इस कॉलम में कहीं भी दोबारा हमने लिख दिया तो आपके दोनों हाईलाइट हो जाएंगे, तो डुप्लीकेट हाईलाइट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है सर, दीपक जी, सर्वेश जी, सुन्ना जी, कोई डाउट इसमें? नहीं, कोई डाउट नहीं सर। मुझे ये पूछना है, मान लीजिए क्या एक कोई सेल है हमारे, उसमें हम एक ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं या कंडीशनल दो या तीन लगा भी सकते हैं? दो तीन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर।
लगा सकता है। आप जितना मर्जी उतना लगा सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है सर। ओके। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे मान लीजिए कंडीशन वर्टिक हटाना है तो क्लियर रूल्स होता है यहाँ पे, मतलब कि एंटायर शीप का हटाना है या फिर सिलेक्टेड सेल का हटाना है, यहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद इसमें अगली कैटेगरी में बढ़ते हैं। अगली कैटेगरी हमारी है टॉप बॉटम्स की। जैसे मुझे इसमें से टॉप 10 को हाईलाइट करना है या टॉप 100 को हाईलाइट करना है, वो यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं। वो आपका हाईलाइट हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट जो होगा उसको, यहाँ पे हमने सेलेक्ट करता हूँ। जैसे हमने टॉप 5 कर दिया यहाँ पे मान लीजिए, तो ओके कीजिए। देखिए जो टॉप पर है वो टॉप पर आपके हाईलाइट हो गया। उसी तरीके से आपको बॉटम 5 करना है तो बॉटम 5 कर सकते हैं। जो सबसे छोटा 10 या 5 जो भी है आपका, वो आपका हाईलाइट होगा। ठीक है सर। जी सर। और इसमें आगे हम बढ़ते हैं तो आपको दो चीजें दिखता है। वो दिखता है आपको यहाँ पे परसेंटेज टॉप परसेंटेज ऑफ और बॉटम परसेंटेज ऑफ। तो टॉप परसेंटेज ऑफ जो आपको दिख रहा है परसेंटेज, परसेंटाइल के फॉर्मूले पे वर्क करता है। तो इसको हम जो परसेंटाइल का फॉर्मूला आपको समझाएंगे तो इसको आप समझा देंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें आप देखेंगे कि यहाँ अबव एवरेज आता है। अबव एवरेज मतलब कि इस पर्टिकुलर नंबर से ऊपर, या बिलो एवरेज पर्टिकुलर नंबर से नीचे। अबव एवरेज मैंने यहाँ पे कर दिया तो ये आपका जो सिलेक्टर सेल का एक एवरेज है, जैसे कि एवरेज 56 है, तो 56 से ऊपर आपको कर देगा। और बिलो एवरेज आप करेंगे तो ये आपको 56 से नीचे कर देगा, और ऑटोमेटिकली ये एवरेज निकालेगा भी। और जैसे चेंज होगा अपने आप को एवरेज भी वो चेंज कर देगा सर। ठीक है सर। अब इसमें डेटा बार आता है। डेटा बार आपको एक बार बना के बताता है कि इसका पूरे कॉलम में क्या पोजीशन है, हाईएस्ट लोएस्ट क्या है। क्या होता है कि इतने बड़े डेटा पे हम लोग चार बार चार्ट या कंपेयरिंग चार्ट नहीं बना सकते, तो इसलिए यहाँ पे आपको इस तरह की चीजें दी जाती है ताकि आप इजली बना लें। राइट सर। राइट सर। ये अलग बार अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं। और मैं इसको अलग करके दिखाऊं यहाँ पे तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ।
कंडीशन मार्किंग में देखिए डेटा बार, तो ये आपका बार बना के दिखा, जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ रहा है उस तरह से अपना बार भी आपका बढ़ रहा है। अगला इसमें आपके सामने कलर स्केल होता है, ये भी आपका काम करता है इसी की तरह डेटा बार की तरह, लेकिन ये ग्रीन टू वाइट कलर में दिखाया था, जैसे जैसे आपका ग्रीन हो रहा है वैसे से आप आईएएस की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपको एग्जैक्ट समझाना है तो आप आइकन्स भी लगा सकते हैं इस तरह से कि लोअर मिडल अपर। आइकन्स की बात होती है तो एक तरह से हो, एक कंपेयरिंग के लिए भी ये लगा सकते हैं एक तरह से, जैसे क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू, क्वार्टर वन में हमारा 45 है और क्वार्टर टू में हमारा 50 है। अब मुझे इन दोनों में कंपेयरिंग निकालना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम आइकन सेट में लगा देते हैं। देखिए बड़ा हो गया छोटा हो गया, अप एंड डाउन आ गया, अब चेंज होगा, जैसे कि मान लीजिए ये आपका 54 हो गया, देखिए स्विच हो गया, तो इस तरह से स्विच भी हो जाता है। ओके सर, तो आप अभी जो आपने सीखा हाईलाइट रूप सीखा टॉप बॉटम डेटा बार कलर स्केल एंड आइकन सेट, तो जो चीज़ें सीखे हैं ना ये अभी आपको मैंने जस्ट बेसिक बताया है। हम आपको ये बताया है कि ये जो चीज़ें हमने आपको बताया है ये जो मोस्टली यूज होती है वो चीज़ें जो हम मोस्टली यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं, एक बार इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो कल हम आपको इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे। तो मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था, पूछिए। क्या कोई इफ जो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं क्या उसमें सर किसी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं? देखिए नॉर्मल इफ में तो नहीं होगा क्योंकि इफ बोलता है एक सिंगल से, लेकिन अगर आपको एक इफ से ज्यादा चीज को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम एरे फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। नहीं मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कुछ चैलेंजेस है मेरी प्रैक्टिकल्स में बताता हूँ, मान लीजिए चैलेंज है मेरा 0 से लेके 100 तक का और उसमें 3 पार्ट में मैंने कर रखा है, 0 से मेरा 25 तक मेरा कोई एक नाम है कि मेरा धौलपुर स्टेशन है और 25 से 30 तक मेरा दूसरा स्टेशन है आगरा स्टेशन है मान लीजिए। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को लगाऊं कहीं पर मान लीजिए मैं कोई चैलेंज के बीच की लिखता हूँ और सामने उसके वो स्टेशन मेरा आ जाए या काउंटिंग में आ जाए, इस तरह से भी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं? हाँ ये तो वीलुकअप से हो जाएगा। वीलुकअप से तो सर हो जाएगा, लेकिन उसमें मुझे पूरे में डालना पड़ेगा, जैसे मैं सिर्फ रेंज डालूं कि अगर मान लीजिए मैंने वीलुकअप से लुकअप उसको बोलते हैं रेंज लुकअप, समझे जी? जैसे कि एग्जांपल में मेरा यहाँ पे आप कहते हैं कि 1 से लेके आपका मान लीजिए पुणे है जी और आपका ये आपका चलता है यहाँ तक 81 तक, यहाँ पे वन कर दिया, यहाँ पे हम वी लुकअप देंगे, इसको सिलेक्ट किया, रेंज को देंगे अपना कॉमा 2। अब यहाँ पे जो आप लोग ट्रू करते फॉल्स करते थे ना जीरो करते थे जी जी, अब ये 2 या फिर 1 कर दीजिए। ओके, अगर मैं 11 कर दूंगा चेंज हो जाएगा। ओके ओके थैंक यू। भाई वीरकप से भी इजीली निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन इसको सीक्वेंस में लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। ओके बाय। ओके।